अगली चीज जो आती है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम लॉस। एएस में आप दो लॉस पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर। बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन को हम के सी कहते हैं और इसको हम के पी कहते हैं। ठीक है, के सी और के पी के बारे में जान मेरी बातें नहीं है, गौर से सुने। वो ये है कि द इक्विलिब्रियम लॉज जितने भी हैं दे ओनली अप्लाई टू सिस्टम्स एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम होगा तब ये लॉ जो है वो अप्लाई होगा, वैसे जो है ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ के सी एंड के पी प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। ओके, अ लार्ज वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी मैं आगे चल के केसी में बताऊंगा। द वैल्यू ऑफ के सी एंड के पी ओनली चेंजेस व्हेन टेम्परेचर इज चेंज, ये भी जो है वो हम आगे जाके भी देखेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ के सी एंड के पी आर इक्वेशन स्पेसिफिक नॉट रिएक्शन स्पेसिफिक। ये नहीं होगा कि देखिए आप कहीं कहीं भी जो हेबर प्रोसेस था उसमें इक्वेशन तो यही है लेकिन रिएक्शन रिएक्शन तो यही है तो के सी वही रहेगा, नहीं। द वैल्यू ऑफ के सी एंड के पी आर इक्वेशन स्पेसिफिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम के सी की तरफ आते हैं। तो के सी केसी जो है ना इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो मोल। अब कॉन्सेंट्रेशन के मोल पर डीएम क्यूब होती है लेकिन इसके यूनिट्स में अब आगे निकाल के सिखाना आपको सिखाऊंगा। अब बात ये कि केसी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, देखिए एग्जांपल लें आप कि आपके पास जो है वो इक्वेशन है एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स अस टू एन एच थ्री। ये एक ही केमिस्ट्री की मारूफ और मशहूर और मारूफ इक्वेशन है केवल। अब किसी में आपने करना ये है कि देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे राइट हैंड साइड ओवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है वो आपने अब क्या करना है, अब देखिए तो ऊपर कर दे अब सॉरी अब केसी की एक्सप्रेशन लिखो तो राइट हैंड साइड में क्या अमोनिया है एन एच थ्री लिखो स्क्वायर ब्रैकेट डालो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एन टू है स्क्वायर ब्रैकेट एच टू है और ऊपर क्यूब उधर स्क्वायर। ये जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं टू एन एच थ्री थ्री एच टू, ये जो थ्री है ये पावर बन जाएगी उस चीज की उधर जाके। ठीक है, और ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट दिस रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स क्या होती हैं मोल पर डीएम क्यूब। अब इसके यूनिट्स निकालने को अगर आपको कोई कहे तो वो कैसे निकालोगे, देखो मोल डीएम माइनस थ्री। अब या तो इसको स्क्वायर करके लिख लो या इसको दो टू है ना तो दो अलग अलग लिखो और फिर नीचे तीन दफा एच टू है एक दफा एन टू तो चार दफा मोल डीएम माइनस थ्री लिख लो चार दफा। ठीक है, ठीक है, मतलब ये और ये कैंसिल ये और ये कैंसिल तो ये जो है ये क्या बना वन ओवर मोल
माइनस थ्री मोल डी एम माइनस थ्री, ये ऊपर चला जाएगा तो मोल माइनस टू डी एम सिक्स इसके यूनिट्स हैं, ठीक है, ये अंडरस्टूड हो गया आपको। अब आगे चलते हैं, तो आगे जो है वो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि किसी के किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके पास, ठीक है।